भाई लॉ का बाद का क्या एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है? ऑल्सो हैव यू कम्प्लीटेड योर लॉ डिग्री? येस आई हैव कम्प्लीटेड माई लॉ डिग्री। एंड उसके बाद क्या एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन हैं? द थिंग इज जिस तरीके से मैंने अपनी लॉ डिग्री कम्प्लीट करी थी उसके बाद मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। मजाक कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट यार लॉ के बाद इट्स आई थिंक इट्स तीन ऑप्शन होते हैं। या तो आप जाते हो कॉज लॉयरिंग में, प्रोसिक्यूटर बनना है जी गवर्नमेंट के लिए, भाई देश के, देश के हित के लिए कुछ करना है, पैसे नहीं कमाने बिल्कुल भी। या फिर होता है लिटिगेशन, भाई पैसे अभी तो नहीं कमा पा रहे पर 40 की उम्र में देखी हो, 40 की उम्र में देखी हो एंचो, फुल आल्टो भै। और एक होता है कॉरपोरेट, भाई मेरी कोई जिंदगी नहीं है भाई, ऑफिस टाइमिंग्स है एंचो 9 बजे तक मैं रहता हूँ यहाँ पे रात के 3 बजे तक, और फिर आना होता है फिर से 11 बजे। अच्छे नंबर आ गए थे कॉलेज में, अब मैं 6 महीने में जॉब छोड़ रहा हूँ। हाँ भाई भाई एयरलाइन बहुत अच्छी थी पर भाई 6 महीने में मैं 35 का लगता हूँ भाई। लॉ के बाद आप यू कैन बी एम्प्लॉयड, यस आप लॉ के बाद बाउंसर बन सकते हो, लॉ करने के बाद आप बाउंसर बन सकते हो, आप लॉ करने के बाद प्रोफेशनल ड्रंक ड्राइविंग कर सकते हो, और क्योंकि आप हमेशा बोल सकते हो ये गाड़ी के आगे पीछे वकील लिखा हुआ है, तेरे को क्या लगता है, हैं हैं साले वकील रोकेगा बयान के लोड़े हैं रोसड़ी के वकील रोकेगा तू। तो यार लॉयर से ज़्यादा रियल एस्टेट कोई नहीं है इंडिया में भाई, बाकी सारे तो बस नाम के लिए हैं रियल एस्टेट एजेंट्स। लॉयर्स हैं भाई जो असल में रियल एस्टेट में खेल रहे हैं, उनको बस यही कहना होता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी और मैं ही इस पर काम कर रहा हूँ, एंड संडेज को ये मेरा फार्म हाउस होता है।